एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी मैनिया विद रितु। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ फेस सीरम के बारे में। बहुत सारे आजकल सीरम्स चले हुए हैं, स्किन केयर रूटीन में ये सीरम्स ज़रूर ऐड करें। खाली मॉइस्चराइज़र लगाने से कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाओगे और आप चाहते हो कि आपकी स्किन क्लीन हो, ग्लोइंग भी हो और अच्छी भी लगे, तो इसके लिए आपको अपने रूटीन में एक सीरम ज़रूर ऐड करना पड़ेगा। तो कौन कौन से सीरम किस तरीके की स्किन के ऊपर जाते हैं, कौन सा सीरम किसके लिए बेस्ट रहता है, ये सब आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी सीरम। सीरम जैसे जनरली आजकल स्किन में पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, किसी के एक्ने हो गए हैं, किसी की ड्राई स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उस तरह की स्किन टोन के हिसाब से आप सीरम कैसे ऐड कर सकते हो। ये आपको दो टाइम लगाना होता है, डे में और नाइट में। तो दो टाइम आपको इसको यूज़ करना है और अपने सीरम स्किन केयर रूटीन में इन सब को ज़रूर ऐड करें। तो सबसे पहला सीरम जो मैं बताने वाली हूँ, अगर आपकी ड्राई स्किन है और आप ढूंढ रहे हो कि आपकी स्किन थोड़ी सी शाइनी बने, ग्लॉसी भी बने, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ वो है रोज़ हिप का सीरम। तो रोज़ हिप का ये जो गुड वाइब्स का सीरम है, ये मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ और डेली पर्पज़ में मैं बताऊँ अपने मॉइस्चराइज़र में मैं इसको मिक्स करके लगाती हूँ मॉर्निंग में भी और नाइट में भी। तो ये सीरम गुड वाइब्स का है, 3 इसका प्राइस 500 है। ये आपको purple.com पे मिल जाएगा, आपको Flipkart पे भी मिल जाएगा, नायका पे नहीं है ये, नायका पे बाकी सीरम्स है, लेकिन मैंने ये वाला यूज़ किया है तो ये बहुत अच्छा है। ये इतनी ग्लॉसी स्किन बना देता ना, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट सीरम है हमारा ऑयली स्किन के लिए। ऑयली स्किन पे आपने नियासिनामाइड का सीरम सुना होगा। नियासिनामाइड का जो मैं प्लम का सीरम मैं यूज़ करती थी, ये प्लम का सीरम है, रोज़ ये है राइस वाटर प्लस नियासिनामाइड। तो जो नियासिनामाइड है इसमें रोज़ वाटर भी है, वैसे तो इसमें 10% लिखा है, लेकिन इसमें ये भी लिखा है कि ये हर तरीके की स्किन टोन के ऊपर जाता है। लेकिन पर्सनली बताऊँ तो नियासिनामाइड ड्राई स्किन के लिए उतना अच्छे से वर्क नहीं करता जितना अच्छे से वर्क ये ऑयली स्किन के ऊपर करता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो लोग नियासिनामाइड सीरम को ज़रूर ऐड कर सकते हैं अपने स्किन केयर रूटीन में। ये आपकी स्किन के जो ऑयल है उसको भी कंट्रोल करता है और स्किन को क्लीन बनाता है। तो बेस्ट ये ऑयली स्किन के लिए है बजाय ड्राई स्किन के लिए। इसमें बहुत सारे नियासिनामाइड है, ऑर्डनरी के प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, ऑर्डनरी का नियासिनामाइड ये सबसे अच्छा रहता है। नेक्स्ट आता है हाइल्यूरोनिक एसिड। हाइल्यूरोनिक जो सीरम है वो बेसिकली हाइड्रेशन का वर्क करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, पैची हो रही है, फ्लेकी हो रही है, तो उसके लिए हाइल्यूरोनिक एसिड बहुत अच्छा रहता है। अगर आप सोचोगे हमारे दाग धब्बे हटा देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करेगा। हाँ, आपकी स्किन को हाइड्रेट बहुत अच्छे से करेगा और ग्लॉसी बनाने में ये हेल्प करता है। तो हाइल्यूरोनिक ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छे से जाता है। नेक्स्ट आता है अगर आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, मलाज्मा है। मलाज्मा के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई, मेरी खुद की भी यहाँ इतनी सारी झाइयाँ थी जो कि इस सीरम ने हटा दी है। यह है मिनिमलिस्ट का अल्फ़ा आर्ब्यूटिन 2%। ये सीरम इतना अच्छा सीरम है ना, आपका अनइवन स्किन टोन है या फिर आपके मलाज्मा है, 4 से भी होगी, 5 भी पुरानी होगी, मेरी 15 पुरानी हटी है। तो इस सीरम ने ना बहुत अच्छे से वर्क किया। प्राइस इसका 600 के अराउंड आता है, नायका पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये सीरम पिगमेंटेशन में बहुत अच्छे से वर्क करता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। ये सारे सीरम जो मैं आपको बताई हूँ वहाँ के जो फीडबैक होते हैं ना कस्टमर के, वहीं देख के मैं आपको बता रही हूँ, और ये खुद मैंने पर्सनली यूज़ भी किया है। ये आपका सीरम 2 से 3 आराम से चल जाता है और आप इसको एटलीस्ट 1 तक यूज़ करके देखो, 4 में ही आपको बहुत अच्छे से मतलब इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करें अगर आपके मलाज्मा है, पिगमेंटेशन है, इन सब के लिए। है सीरम हमारा पीलिंग वाला। स्किन को पील करना भी बहुत ज़रूरी है, ड्राई स्किन डेड स्किन को निकालना भी बहुत ज़रूरी है। ऑयली स्किन के लिए जो सबसे अच्छा पीलिंग सॉल्यूशन है वो ऑर्डनरी का है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑर्डनरी का ये वाला सीरम सबसे अच्छा रहता है, ऑर्डनरी मतलब ऑयली स्किन के लिए। ये बहुत अच्छे से पीलिंग करता है और इसको लगाने के बाद ना आपकी स्किन बहुत हद तक शाइनी होती है, आपके एक्ने के जो मार्क्स हैं वो भी बहुत हद तक कम होंगे, ऑर्डनरी का ये वाला सीरम। और अगर आपकी ड्राई स्किन है, आपको बहुत ज़्यादा हायर परसेंटेज वाला नहीं चाहिए,
उसका मिनिमलिस्ट का ये AHA, PHA और BHA पीलिंग सीरम है। ये सीरम ड्राई स्किन पे बहुत अच्छे से वर्क जाता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसको लगा के ना ड्राई स्किन काफ़ी हद तक डेड स्किन भी रिमूव हो जाएगी और आपकी स्किन शाइनी बनेगी। आपको इस ये जो पीलिंग सॉल्यूशन है वो कैसे यूज़ करने हैं, आपको 15 दिन में एक बार यूज़ करना है। ऑयली स्किन है तो वीक में एक बार यूज़ कर सकते हो क्योंकि उनका जो ऑयल है ज़्यादा निकलता है। तो ये क्या करता है, आपके जो एक्ने होते हैं उसको कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल करता है। तो आप इस टाइप का सीरम ज़रूर यूज़ करें अगर आपकी ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन है तो आप ये वाला सीरम यूज़ कर सकते हो, ये सबसे अच्छा मतलब अच्छा रहता है। मैं भी 15 डेज में एक बार इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट सीरम आता है ग्लाइकोलिक सीरम, जो बहुत सुना होगा। ग्लाइकोलिक जो बेसिकली होता है आपके स्किन के अनइवन स्किन टोन, अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन है उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। ग्लाइकोलिक सीरम थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो आप थोड़ा सा ही यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हो। ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और ऑयली स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ऑयली पे तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा लेकिन ड्राई स्किन पे मे बी थोड़ा उसको ड्राई बना दें, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। क्योंकि ग्लाइकोलिक मैंने भी यूज़ नहीं किया है लेकिन पिगमेंटेशन में ये काफ़ी अच्छा, ऑर्डिनरी के बहुत अच्छे अच्छे सीरम है, आप वहाँ इसको ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट सीरम आता है हमारा सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड भी पिगमेंटेशन पे ही वर्क करता है। अनइवन स्किन टोन है आपके स्किन की, कहीं पर ब्लैक हो गया या टैनिंग हो गई है, उसको हटाने में भी ये सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छे से वर्क करता है। आप ऑर्डिनरी के भी यूज़ कर सकते हो और मिनिमलिस्ट के भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ब्रांड्स के सीरम बहुत अच्छे रहते हैं। अगर आप कोई सा भी सीरम फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो ना तो आप मिनिमलिस्ट के सीरम भी ट्राई कर सकते हो और ऑर्डिनरी, इन दोनों की क्वालिटियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी है। आपके रिंकल्स है तो रिंकल्स के लिए भी सीरम जो रेटिनॉल का सीरम आता है वो ट्राई कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे जो सबसे पहले यही रिंकल्स आते हैं तो यहाँ के लिए, और प्रॉपर मतलब आप टाइम से पहले यूज़ करना शुरू कर दो। अगर आप 35 के बाद यूज़ करना शुरू करोगे तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप 30s की एज में हो तो प्लीज़ आप सीरम ज़रूर ऐड करें अपने स्किन केयर रूटीन में। इससे क्या होगा ना, आप काफ़ी लंबे समय तक यंग दिखोगे और रिंकल्स नहीं पड़ेंगी, स्किन अच्छी कंडीशन में रहेगी। जितनी जल्दी आप चीज़ों को मतलब ऐड करोगे सीरम अपने स्किन केयर रूटीन में तो उतना अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा और लंबे समय तक आपकी स्किन यंग रहेगी। जैसे आपको लगती है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है, ऐसा नहीं है। मैंने भी सीरम ऐड करे हैं उसके बाद ही मेरे पिगमेंटेशन हटे हैं, वरना मेरे पिगमेंटेशन हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने इतने डॉक्टरों को दिखाया ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ा।